आप सभी का चंचा किचन ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी मसाला। इसके लिए जो जो सामान लिया है मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ लिया है धनिया, और मैंने इसका नाप लिया है इस चम्मच से, ये 1.5 चम्मच है, इसी चम्मच से नाप लिया है मैंने हर चीज़ का। और ये लिया हमने जीरा, ये भी 1.5 चम्मच है, और ये 1 चम्मच से थोड़ा सा कम सौंफ है, काली मिर्च लौंग, लाल मिर्च, बड़ी इलायची और ये फूल, छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े, जावित्री, तेजपत्ते, और ये हमने लिया है, हमने यहाँ पर लिए 2 जायफल, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और ये 10 तेजपत्ते हैं। साथ में लिए हल्दी और लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अब हम गैस को ऑन करते हैं अपनी, और इन्हें हम सब मसालों को हमें हल्का सा रोस्ट करना है, तो इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। पैन हमारा गर्म होने लग दिया है हमने। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया, जीरा, सौंफ, इसको हल्का सा चला लेते हैं। साथ में अपने अपने ही सब मसाले ऐड करते चले जाएंगे हम। लाल मिर्च भी अभी नहीं चलाते हुए हम इसको जब तक भूंज लेंगे, जब तक इसमें से हल्की सी जो खुशबू आती है धीमी धीमी सी, वो खुशबू आने लग जाए। इन्हें आप चलाते हुए भूंजे, इन्हें अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो ये जल जाएंगे। इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है, इसे हम 1 मिनट और चलाएंगे बस। एक मिनट हो गया है, यह काफी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसे हम गैस को कर देंगे बंद, उसके बाद भी हम इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे जिससे ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी इस टाइम गैस हमारी गर्म है और पैन भी हमारा गर्म है। इसके बाद में मैं इसमें से इसे जायफल को निकाल के इसे कूट लूंगी थोड़ा सा, क्योंकि अगर इसे सीधा मिक्सी में डालेंगे तो इससे मिक्सी का जार जो है वो क्रैक हो जाता है, कई बार उसमें निशान पड़ जाते हैं। हमारा मसाला ठंडा हो गया है, अब इसे हम जार में डाल लेंगे। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने इस तरीके से इसे तोड़ लिया है, इसे डाल देते हैं। साथ में हम डाल देंगे तो तेज पत्ता, इन्हें भी हाथों से थोड़ा थोड़ा तोड़ देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से सारा मसाला मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लेती हूँ। हमने अपने मसाले को आप देख सकते हैं पीस लिया, अभी से हम छान लेंगे। आप चाहें तो छानना चाहें तो छान सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छानने से इसका लुक थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा, और जो इसमें से बचेगा उसे हम दोबारा से पीस लेंगे। इस तरीके से आप इसे छान लीजिएगा। हमने अपना सारा मसाला छान लिया, आप देख सकते हैं सिर्फ इतना सा मसाला जो है जो हमारा थोड़ा सा दर दर आए, इसे हम एक साइड कर लेते हैं। और अब इसमें अपने मसाले में हम मिलाएंगे हल्दी, और ये कश्मीरी मिर्च, इसे मिक्स कर देंगे। हमारा बिरयानी मसाला बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।